हेलो चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास क्लास 8, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, पार्ट 13। तो आपके पार्ट 13 में क्या है? सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो देखिए, प्रोनाउन हम किसे कहते हैं यानी सर्वनाम? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए, सर्वनाम क्या होता है? जिसका जब हम संज्ञा में क्या करते, कोई नाम बार बार लेते हैं, तो उसके जगह पे हम अगर किसी शब्द का यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे देखिए, प्रमुख सर्वनाम है मैं, तुम, वह, हम, वे आदि। तो अब हमें इसे क्या करना है? पढ़ना है और समझना है। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जो सर्वनाम होते हैं वो क्या करते हैं? संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं। और सेकंड नंबर देखिए, सर्वनाम वाक्य को संज्ञा की पुनरुक्ति के दोष से बचाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, वाक्य में पुनरुक्ति का दोष, हम लोग सोचते होंगे कि पुनरुक्ति दोष क्या है। तो अब आइए देखिए, इसमें समझाया गया है कि किस तरह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और किस तरह वाक्य में पुनरुक्ति का दोष होता है। तो देखिए, अंकुर के भाई के साथ बाजार नहीं जाएगा। तो देखिए, मतलब उसी नाम को ये क्या किया है? दो बार इसका यूज किया है। तो अब देखिए, इसका क्या हो जाएगा? सर्वनाम में हम प्रयोग करेंगे तो अंकुर अपने भाई के साथ बाजार नहीं जाएगा। अब देखिए, इसमें इसका सेकंड नंबर, सोवित प्रातःकाल उठा, सोवित सैर को गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? सोवित प्रातःकाल उठा, वह सैर को गया। यानी हम किसका यूज किए इसमें? सर्वनाम का किए। यानी सोवित किसी का नाम है, तो किसी का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो इस संज्ञा के स्थान पे हम सर्वनाम का प्रयोग कर लिए हैं। तो देखिए, लोग सड़क पर खड़े थे, लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि लोग सड़क पर खड़े थे, वे आपस में बात कर रहे थे। उपयुक्त वाक्यों में अपने, देखिए ये हम, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें उपयुक्त वाक्यों में अपने, वह और वे शब्द संज्ञा शब्दों अंकुर शोभित व लोक के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। अपने, वह और वे सर्वनाम हैं जो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। अपने, वह और वे ने वाक्यों को पुनरुक्ति के दोष से बचाता है। अब देखिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के भेद, सर्वनाम कितने प्रकार के होता है? तो फर्स्ट क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर है संबंधवाचक सर्वनाम। फाइव में आपका क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और सिक्स में है निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे फर्स्ट नंबर में हम क्या पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। आइए, तो वार्तालाप के समय तीन प्रकार के व्यक्ति वार्तालाप का अंश होते हैं। एक बोलने वाला होता है, दूसरा उसे सुनने वाला होता है, और थर्ड कोई अन्य व्यक्ति है जिसके विषय में बात की जा रही हो। इस प्रकार बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है? उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। और सेकंड क्या है? मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। थर्ड है अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। तो आपका फर्स्ट क्या हो गया इसमें? उत्तम पुरुष। तो बात कहने वाला अथवा कुछ लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे मैं, मुझे, हम, हमें। इसके देखिए, मध्यम पुरुष बोलने वाला जिससे बातें कर रहा हो उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष वाचक होते हैं। जैसे तुम, आप, तू आदि। अब देखिए नेक्स्ट पेज में थर्ड नंबर देखिए, अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। तो हम थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है उसके लिए वह और वे आदि शब्दों का प्रयोग करता है, वह और वे अन्य पुरुषवाचक कहलाते हैं। फिर देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी निश्चित संख्या की और निश्चय पूर्वक संकेत करने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये प्रमुख हैं, यह, वह, ये,
उदाहरण देखिए इनका। देखिए आइए हम उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट क्या है, यह मेरा कार्यालय है। सेकंड देखिए, पुस्तक रख दो, वह तुम्हारी नहीं है। इसी तरह से ये अन्य एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या बताया, जैसे कि यह वह मेरा घर है, तो इसमें क्या कर रहा है, बिल्कुल निश्चित किया है कि वह किसका घर है, मेरा ही घर है, यानी मेरे पापा मम्मी का, किसी का नहीं, वह मेरा ही घर है। यानी कोई चीज़ क्या बता रहा है कि यह निश्चय है। अब देखिए थर्ड नंबर में क्या है आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु तो या पदार्थ का निश्चित बोध ना हो, उसे अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिसमें कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी, आदि। इसके लिए आइए हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा, उसने कुछ नहीं खाया। फिर सेकंड क्या है, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। थर्ड देखिए, किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फोर नंबर देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम से संबंध बताएं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जैसा, वैसा, जो, सो, जिसकी, उसकी, आदि। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जो वह चाहता है वह मैं नहीं कर सकता, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये इसके एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो प्रश्नवाचक में क्या है, जिसमें हम किसी से क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, जिस सर्वनाम शब्दों से प्रश्न प्रकट होता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किसके, क्या, आदि। तो जैसे इसका ये एग्जाम्पल समझते हैं, बाहर कौन खड़ा है। कौन मतलब क्या कर रहा है, वो उसे क्वेश्चन कर रहा है कि बाहर कौन खड़ा है। फिर सेकंड क्या है, तुम किसके साथ आए। तो ये भी उसे क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि तुम किसके साथ आए हो। अब नेक्स्ट क्या आता है आपका, निजवाचक सर्वनाम, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा, कर्ता के निजत्व यानी अपनेपन के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते। जैसे स्वयं, आप, अपने आप, खुद, आदि। जैसे क्या होगा इसका एग्जांपल, तुम स्वयं पढ़ लेना, यानी अपने लिए यूज करा। क्या कह रहा कि तुम स्वयं यानी खुद ही पढ़ लेना, मैं इस पत्र को आप पढ़ लूँगा, यानी अपने आप ही पढ़ लूँगा। तो ये क्या हो गए आपके, निजवाचक सर्वनाम हो गए। अब देखिए, सर्वनामों में वचन यानी नंबर इन प्रोनाउंस। संज्ञा की भांति सर्वनामों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। एक वचन का बहुवचन रूप हम हैं। इसी प्रकार यह का ये तथा वह का वे बहुवचन रूप होता है। सर्वनामों के लिए लिंग, सर्वनाम शब्द के रूप में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम शब्द का लिंग उसके साथ प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है, अथवा उस शब्द से जाना जाता है जिसके स्वभाव पर उसका प्रयोग हुआ है। जैसे मनीष विद्यालय गया, वह 2 बजे लौटता है, तो वह इसमें क्या है, पुल्लिंग है। माला विद्यालय गई, वह 2 बजे लौटेगी, तो इसमें वह क्या है, स्त्रीलिंग है। अब देखिए, पुरुषवाचक आप और निजवाचक आप में अंतर। जो आपके पुरुषवाचक का आप होता है और किसका, निजवाचक के आप में, आइए हम आपको डिफरेंट बताते हैं। तो पुरुषवाचक आप और निजवाचक आप में पर्याप्त अंतर है। यह अंतर मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। तो देखिए, फर्स्ट क्या है आपका, पुरुषवाचक आदर सूचक आपका बहुवचन आप या आप लोगों लोग होता है, किंतु निजवाचक में आप ही दोनों वचनों में प्रयोग होता है। अब देखिए, पुरुषवाचक आप और निजवाचक आप, तो पहला क्या है, इसमें आप कब आए हैं, और इसका फर्स्ट क्या हुआ, आप बुरा तो जग बुरा। इसी तरह पुरुषवाचक आपका कैसे हम यूज करेंगे कि आप लोग कब आए इसमें,
इसमें क्या बोला आप कब आए और सेकंड में बोला आप लोग कब आए, तो इसका क्या हो जाएगा निजवाचक आप, श्रोता आप ही उठेंगे तो उठेंगे, ये आपका दोनों का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर में पुरुषवाचक आदर सूचक आप प्रायः मध्यम पुरुष और कभी कभी अन्य पुरुष के लिए है, किंतु निजवाचक आप तीनों पुरुषों के लिए आता है, जैसे मध्यम हुआ अन्य पुरुषवाचक आप देर से क्यों आए हैं, ये आपका क्या हो गया मध्यम पुरुष हो गया। और तीनों पुरुषों में निजवाचक आप कैसे प्रयोग किया जाता है, मैं आप ही सारा काम कर लूँगा। उसी तरह देखिए इसका एग्जाम्पल महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, तो इसका सेकंड क्या होगा तुम आप ही घर चले जाओ। पुरुषवाचक आप वाक्य में अकेले आता है, किंतु निजवाचक आप वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ भी आ जाता है, जैसे आप यहाँ क्यों बैठे हैं, ये क्या हो गया आपका पुरुषवाचक हो गया। और निजवाचक क्या हो गया रवि आप ही उसे दूर तक छोड़ आया, तो ये क्या हो गया इसका निजवाचक हो गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं अपना सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, फर्स्ट है कि सर्वनाम के प्रमुख भेद हैं, तो सर्वनाम के प्रमुख कितने भेद होते हैं, छह भेद होते हैं, तो इसका आंसर छह हो जाएगा। सेकंड नंबर देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद तीन होते हैं, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा तीन। फिर देखिए वह वे शब्द हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों। और फोर का हो जाएगा आपके कि कौन किसके शब्द हैं, तो इसका हो जाएगा कौन और किसके, क्वेश्चन हम किससे करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज देखिए सही या गलत का चिन्ह लगाना है हमें, तो फर्स्ट क्या है उसे अन्य पुरुषवाचक जो उसे होता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये आपका गलत है। सर्वनाम में संबंध कारक नहीं होता है, ये भी गलत है। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये आपका सही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में संबंधवाचक सर्वनाम है, ये आपका सही है। फिर देखिए निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनामों पर गोला खींचिए और उनके हमें क्या करना है भेद लिखना है। जैसे क्या लिखा द्वार पर कोई खड़ा है, तो इसमें आपका सर्वनाम कौन सा है कोई है, तो कोई आपका कौन सा वो है भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जब पिताजी चले गए तब वह आया, तो वह इसमें क्या हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, तो इसमें जो और वे जो हो गए वो संबंधवाचक सर्वनाम है। वे तुम्हारे क्या लगते हैं, तो इसमें वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और तुम्हारे मध्यम पुरुषवाचक है। तू कुछ सोच रहा है, तो इसमें तू मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनामों के वचन बदल कर लिखना है, तो इसमें क्या लिखा तू कौन है, तो इसका क्या हो जाएगा तुम कौन हो। सेकंड देखिए मैं आ गया हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा हम आ गए हैं। ये हंस रहे हैं, तो इसका हो जाएगा यह हंस रहा है। फोर नंबर देखिए मुझे कुछ रुपए दे दो, तो इसका आंसर हो जाएगा हमें कुछ रुपए दे दो। फिफ्थ नंबर देखिए आप हमें पढ़ाइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप मुझे पढ़ाइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, फर्स्ट क्या है सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप लोग देखिए पेज नंबर 76 में, ये देखिए सबसे ऊपर संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए आप इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सर्वनाम वाक्य को पुनरुक्ति के दोष से बचाता है, उदाहरण देखिए इसे हमें क्या करना है स्पष्ट करना है, तो इसका आंसर भी पेज नंबर 76 में देखिए, ये देखिए बाक में पुनरुक्त का दोष और सर्वनाम का प्रयोग, तो इसका आंसर हम यहाँ से लिख लेंगे, दूसरे का यहाँ से लेके आपके लास्ट तक इसका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सर्वनाम के प्रमुख भेद
कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। तो देखिए सर्वनाम के जो प्रमुख भेद होते हैं वो 6 होते हैं और इसके छवों के नाम आपको लिखने हैं। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पुरुषवाचक सर्वनाम का उसके उपभेदों सहित वर्णन करना है। तो ये देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम पेज नंबर 76 में, पुरुषवाचक सर्वनाम से लेकर इसे आपको कहाँ तक लिखना है इसका आंसर, नेक्स्ट पेज के यहाँ पे अन्य पुरुष के लास्ट तक आपको इसका आंसर लिखना है। तो इस तरह आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम को सुधारण बताना है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम का हमें क्या करना है, उदाहरण देना है। तो आइए हम इसका आंसर बताते हैं, इसका आंसर क्या। तो इसका आंसर पेज नंबर ये 77 में देखिए, यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसको इसका आंसर यहाँ किसी निश्चित संज्ञा की ओर से लेके पूरा आपका ध्यान पूरा इसका आंसर ये 6 नंबर यहाँ तक है। तो ये आपका लास्ट आंसर हुआ। इस तरह आपका ये लेसन यही ख़त्म होता है। थैंक यू।